बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैर खैरियत से जी। तो आज हम रेडी करेंगे पिज़्ज़ा। पिज़्ज़े के लिए जो डो है वो मैंने रेडी कर लिया है। डो की रेसिपी पहले मैं दे चुकी हूँ अपनी पर्दा बिरयानी में। ये डो बनाने की रेसिपी मौजूद है और ये तो आज मैंने जल्दी जल्दी मशीन में ही बना लिया। पिज़्ज़ा के लिए जो डो रेडी करते हैं, बेहतर है अगर आप 7-8 घंटे पिज़्ज़ा रेडी करने से पहले ही डो रेडी कर लें, तो उससे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसको मैं कवर करके तकरीबन 7-8 घंटे के लिए रख दूंगी और फिर से पिज़्ज़ा रेडी करेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हम चिकन रेडी कर लेते हैं पिज़्ज़ा के लिए। थोड़ा सा मैंने ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। मैं इसमें चिकन ऐड कर देती हूँ, उस तरह से बारीक कटा हुआ। इसको मैंने ऑयल लगा के पहले से फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए चिकन फ्राई हो रहा है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन कटी हुई, नमक, काली मिर्च कटी हुई, करी पाउडर, करी मसाला पाउडर को ऐड करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें जी, चिकन तो रेडी हो गया बहुत अच्छा। और ये देखें जी, पिज्जे का लिए जो आटा रेडी किया था ये दो, ये भी बहुत अच्छा फूल चुका है। ये देखें जी, मैंने एक बड़ी सी रोटी को बेल के इस बड़े से ट्रे में बिछा दिया है। अब मैं इसमें ये पिज्जा सॉस लगाऊंगी और ये पिज्जा सॉस भी मैंने रेडीमेड इस्तेमाल की है। ये देखें जी, पिज़्ज़ा सॉस मैंने लगा दी ऊपर। अब आ गई बारी चीज़ की। इसके बाद जो भी आप इस पे डालना चाहते हैं, चिकन, टून फिश, सब्जियां, जो भी डालने आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये देखें, एक साइड पे चिकन है, आप एक साइड पे ये टून फिश। और ये देखें जी, सब्जियों में मैं इसके ऊपर इस्तेमाल कर रही हूँ ये बैंगन, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये पपरिका, शिमला मिर्च। और ये देखें इसके ऊपर मिर्चें, ये सिर्फ मैं एक साइड पे लगाऊंगी, सिर्फ इस साइड पे। और अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ये ओलिवन। ये देखें जी, रंग बिरंगे पिज्जे की जो है डेकोरेशन हो चुकी, क्योंकि साथ में बच्चों को भी मद्देनजर रखना पड़ता है किसको क्या चीज पसंद है किसको नहीं पसंद। और अब मैं इसके ऊपर दोबारा से ये मोजरेला चीज छिड़क दूंगी इस तरह से। ओवन को मैंने ऑन कर दिया था ताकि वो पहले से गर्म हो जाए, ताकि फटाफट पिज्जा अंदर जाए और रेडी होके बाहर आ जाए। आप एंड में इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे और ये ओरिगानो इस तरह से। और ये फ्रेश वाला मोज़रेला, ये भी इस तरह से हम इसके ऊपर लगा सकते हैं अगर चाहें तो। एंड में इसके ऊपर हम थोड़ा सा इस तरह से ऑयल छिड़क देंगे बस। अब ये पिज्जा ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह, ये देखिए जी कितना मजे का पिज्जा जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए, मैं इसको दूसरी साइड से भी आपको दिखाती हूँ।